नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। भूमि दोष नाशक मंत्र का क्या है महत्व और क्या है इस मंत्र की विधि, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। जानते हैं क्या है भूमि दोष नाशक मंत्र, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से भूमि दोष नाशक मंत्र का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है विषकुंभ और करण है गर। और चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग आज किसी नए कार्य की प्रारंभ की योजना बना सकते हैं। आज आपको कुछ नए कार्य का प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नए ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जिन्हें आपको देखना चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी में या घबराहट में या हड़बड़ाहट में कोई काम ना करें, इससे आपको परेशानी हो सकती है। आज की दिनचर्या में चोट चपेट, एक्सीडेंट की या दुर्घटना की कोई आशंका भी दिखाई देती है, इसलिए जब आप वाहन का प्रयोग करें यानी गाड़ी चलाते समय आप बहुत ज्यादा सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराइए, उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का अनादर ना करें, मजाक ना उड़ाएं। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। जिन लोगों को सिर में दर्द से जुड़ी हुई समस्या थी, खासतौर पर माइग्रेन की समस्या थी, आधा सीसी की समस्या थी, उनके माइग्रेन की समस्या दोबारा एक बार फिर से उन्हें परेशान कर सकती है। आज की तिथि में आपको उम्मीद का दामन थाम करके मेहनत करते रहना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है आगामी भविष्य में। शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए आज इन्वेस्टमेंट के अवसर बहुत अच्छे हैं। आज आप जो भी निवेश करेंगे उसके आप कई गुने ज्यादा लाभ ले सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइए, अनादर मत करिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों की आज की तिथि में व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहने वाली है, आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको विशेष रूप से आज आर्थिक लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है, बकाए धन की प्राप्ति होगी, यानी आपका कहीं अगर पैसा रुका हुआ था तो आपको आज प्रयास करना चाहिए, वह आपको पुनः प्राप्त हो सकता है। ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई देती है, तो धन को संचित करें, धन बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के आज के सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक यश कीर्ति में वृद्धि हो सकती है, भेंट और उपहार मिलेगा परिवार की तरफ से, नया परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे, परिवार से भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है, आपको हर काम में परिवार का सहयोग आज मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धर्म कर्म व धार्मिक कार्य में आस्था बढ़ेगी। आपकी आस्था से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भाग्य का साथ आज आपको मिलेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्र भी जो है आपका मित्र पक्ष भी आपका पूरा पूरा सहयोग करेगा। आपके पक्ष में खड़े रह करके आपकी मदद करते नजर आएंगे आपके इष्ट मित्र। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अभी तक जो काम बहुत कठिन लगते थे, आज की तिथि में आपको उन कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल बन गई हैं। आज के दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता मत दिखाइए। और बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में वाहन आदि का सुख मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात और भेंट हो सकती है। आज की तिथि में कुछ खर्च बढ़ सकता है, लेकिन समय खुशनुमा बीतने वाला है। कोई नया काम यदि आप आज आरंभ करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। पुराने मित्रों के साथ जब भेंट होगी तो पुरानी यादों में खो करके एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे आप। काफी दिन बाद एक चिंता रहित समय होगा जिसमें आप तनाव से दूर महसूस करेंगे स्वयं को। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की दिनचर्या को शुभ बनाएगा। जो भी नकारात्मकता आपके आसपास है, इर्द गिर्द है, उसे दूर करेगा। लेकिन आज की दिनचर्या में यदि कोई निवेश की योजना है तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और अब इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है रुड़की से, मीनाक्षी। मीनाक्षी, अपना जन्म विवरण दें और सवाल पूछे। पंडित जी प्रणाम जी, नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1990 जी, और स्थान है रुड़की और टाइम है 5:15 शाम के जी। मेरी समस्या, मुझे अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, 2 साल से नहीं लग पा रहा है। कोई उपाय है तो बता दीजिए, मैं दो साल से ट्राई कर रही हूँ जी। बिल्कुल, देखिए वर्तमान समय में यदि आप सूर्यदेव की आराधना करके प्रयास करें तो निश्चित तौर पे आपके लिए सफलता की स्थिति दिखाई देती है। सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। इस समय में सूर्यदेव की आराधना आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य मंगल का शुभ होना, अच्छी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। यूं तो सूर्यदेव जो है आपकी कुंडली में 12वें स्थान के स्वामी है, बैठे सप्तम में है, लेकिन परिस्थितियां जिस राशि में बैठे हैं वो परिस्थितियां ठीक हैं, तो आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्यदेव को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें और फिर उसके बाद प्रयास करें, आपको फायदा मिलेगा। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए नैनीताल से, राजू। राजू, अपना जन्म विवरण दें और आचार्य जी से फिर सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये पंडित जी, मैं जानना चाहता था ना, बचपन से मतलब अभी तक रोग भाई और ये कर्ज से ही हम जुड़े हुए हैं, और मतलब भाग्योदय कब तक होगा? मेरा जन्म तिथि है क्या, मतलब 29 जनवरी 1970 और दिन के दोपहर 12:05 जन्म समय है जी। स्थान बता दीजिए जी, जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान नैनीताल खुरपा थान जी। जी जी बिल्कुल। देखिए जैसा आपने कहा कि जन्म से ही हमेशा आपने अभाव की स्थिति देखी है, असफलता की स्थिति देखी है। आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा है और शनिदेव जो है वह लग्न में बैठे हुए हैं नीचगत होकर के, यानी नीच का शनि जो है वह लग्न में बैठा हुआ है। देखिए लग्न में बैठा हुआ जो ग्रह होता है वो किसी भी जातक के ओवरऑल पर्सनालिटी को, पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, या यूं कहें गवर्न करता है, उसके जीवन को हमेशा प्रभावित रखता है। अब नीच का शनि होगा तो निश्चित ही परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होंगी। मन में ऐसे विचार आते होंगे जो काम समाज के निगाह में, समाज के दृष्टिकोण से हमेशा ठीक नहीं होते, जो भी अनैतिक कार्य होते हैं उस तरीके के कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। और सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि जो नीचगत शनि है, जो लग्न में बैठा हुआ है, जिसके दुष्प्रभाव से आप परेशान हैं, उसकी आप वैदिक मंत्रों के जाप करा करके शांति कराएं। और जहां तक आपने पूछा कि कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, किससे आपको लाभ मिल सकता है, तो वर्तमान समय में आप भगवान विष्णु की आराधना करें, महादेव शिव की आराधना करें तो निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, राजेंद्र। राजेंद्र, अपना सवाल पूछिए। पंडित नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1973 जी, जन्म स्थान करनाल जी। सब मैं बता दें, 10:45 AM जी।
मेरे को ये बताओ कि मेरा अपना काम चलेगा या मेरे को नौकरी करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक आपने अपने व्यापार से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है, बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा है। वर्तमान समय में आप चाहें तो अपना प्रयास करके अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं, लेकिन व्यापार आरंभ करने के पहले, क्योंकि कर्म भाव में शनि और केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है, इन दोनों का समावेश है, तो ऐसी परिस्थिति में शनि और केतु के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं। बुध की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है जो लग्न और उसके साथ साथ कर्म भाव के स्वामी हैं, तो भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। और अभी कॉलर मैसेज जुड़ गई है मुजफ्फरनगर से साक्षी। साक्षी अपना जन्म विवरण दें और फिर सवाल पूछें। साक्षी क्या मुझे सुन पा रही है? हाँ जी जी, अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर आचार्य जी से सवाल पूछिए। जन्म है 18/7/1993। जी समय बता दें। समय है 12:30। दिन का या रात का? रात का जी। स्थान बताइए। स्थान है जिला मुजफ्फरनगर। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ क्या मेरी जॉब लग पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, आप यदि भगवान विष्णु की आराधना करें तो आपको अपने जॉब से जुड़ी हुई जो भी समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु की आराधना बहुत ही सरल है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की चित्र या कोई फोटो आप अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं और उनके समक्ष आप विष्णु चालीसा का पाठ कर लें और उसके उपरांत विष्णु जी की जो आरती है ओम जय जगदीश हरे, उससे आपको कपूर से उनकी आरती कर लेनी चाहिए। ये क्रम आपको नियमित रखना चाहिए क्योंकि बृहस्पति की महादशा आपके लिए चल रही है और बृहस्पति देवता जो है आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, बशर्ते आप कुछ उपाय करें अपने लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे पंडित जी से आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके सितारे में। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर और जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना तो बना सकते हैं, लेकिन कार्य की सफलता में कुछ न कुछ बाधा आएगी। आप बात जरूर करेंगे, प्रयास जरूर करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन काम कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगा, अटक जाएगा। आज इस कार्य को सिद्ध करने में और आज की तिथि में आपको बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा। अचानक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, तो आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उनको अपनी तरफ से प्रसन्न भी रखना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि आपको उनके सहयोग की आवश्यकता है। ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए समय अनुकूल है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने साथी और उनकी आवश्यकताओं को समझें, जरूरतों को समझें और भावनाओं का सम्मान करें। उनकी आवश्यकता को समझ करके यदि काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और अपनी तरफ से जहां तक हो सके उनका सहयोग करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ दिन बहुत अच्छा नहीं है, यानी निवेश का समय बहुत अच्छा नहीं है, निवेश के लिए कुछ समय इंतजार करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए अपने व्यवहार को आज नियमित और बहुत ज्यादा संयमित करने की आवश्यकता है। आज यश मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं से आंच आ सकती है और उसका कारण आपका अपना वाणी अपना व्यवहार हो सकता है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने व्यवहार को थोड़ा संयमित करें। आज की तिथि में विनम्रता से रिश्तों में आई खटास को दूर करने का भी अच्छा मौका आपको मिलेगा। विद्यार्थी लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, आपको प्रयास करना चाहिए, अपनी पढ़ाई में आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपके काम में आ रही रुकावट से आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, तनावग्रस्त मत होइए।
और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक क्षेत्र में परेशानी हो सकती है। नौकरी में स्थिति जो है मनोनुकूल रहने वाली है। घर जमीन या मशीन खरीदना भी लाभ का सौदा हो सकता है आज। बिजनेस के लिए नए आयाम नए रास्ते खुलते नजर आएंगे आज आपको। आज आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज नए अवसर आज आपको प्राप्त होंगे अपने कार्य व्यापार में नौकरी में। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना कर लेना बहुत अच्छा आपको लाभ दे सकता है। कार्य में अवरोध से मन को निराश न करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अनुकूलता के कारण मन में प्रसन्नता रहने वाली है। सभी कार्य सिद्ध होंगे। आप हर स्थिति में सामान्य और सहज बने रहें। जितना आप इजी रहेंगे उतना आपके लिए लाभ मिलेगा। समय आपके साथ है। शेयर खरीदने व बेचने के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा आपके पक्ष में है। तो इस समय में आप कोई शेयर बाजार से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट अवश्य कर सकते हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम पाप हारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करें। मन में भटकाव की स्थिति है जिसको आपको नियंत्रित करना है। बात करते हैं आखिरी राशि की और जान लेते हैं मीन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा। यानी आपकी जो सामाजिकता है आपका सोशल सर्किल उसमें बहुत ज्यादा विस्तार हो सकता है। कुछ नए लोगों से परिचय होगा जिसमें आज आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सहायता मिल सकती है। और जो पुराने काम चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं से काम में बाधा भी आ सकती है। काम कहीं आज रुक भी सकता है। आज की तिथि में बहुत ज्यादा काम करने से टेंशन लेने से बचना चाहिए। जीवन साथी और परिवार का लाभ आज आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत ज्यादा आज अलर्ट रहना चाहिए सचेत रहना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि भूमि दोष नाशक मंत्र क्या है। जिस तरीके से आप किस तरीके से किस माध्यम से आप अपनी भूमि का अपने घर की भूमि का जिस प्लॉट पे आपका घर बना हुआ है या फ्लैट है आप उस दोष को दूर कर सकते हैं। यदि आपका घर या कोई आपने जमीन ली है ऐसी जगह है जहां उस जमीन में कोई दोष है तो आप उस दोष को कैसे दूर करें ये आज जानकारी मैं आपको दूंगा। आपका घर यदि किसी शमशान भूमि कब्रगाह या किसी बड़ी दुर्घटना स्थल के आसपास है या उस प्लॉट पर कभी ऐसी कोई घटना हो चुकी है तो अगर पूर्व में ऐसी कोई बड़ी घटना हुई थी जिसमें लोगों की कई सारी जानें गई थी या उस जगह से आप जानते हैं कि उसका इतिहास कभी बहुत अच्छा नहीं रहा तो आप उस भूमि को शुद्ध कर सकते हैं। और फिर लोगों की जानकारी के अनुसार आप जो उस जमीन पर कुछ अशुभ परिस्थितियां हैं जिसको शल्य भी कहते हैं अगर कुछ जमीन के अंदर होता है जिसे शल्य दोष कहते हैं जमीन के अंदर की जो अशुभ चीजें होती हैं उस शल्य को कैसे दूर करें। उस जमीन पर यदि कोई अशुभ साया है किसी अशुभ आत्मा का वहां पर वास हो गया है किस तरीके से आप उसको दूर करें ये सब सारे कारण बनते हैं। अगर आप उस प्लॉट पर अपना घर बनाएं तो वहां पर आप हमेशा भयभीत रहेंगे। आपके घर में लगातार झगड़ा होता रहेगा हानि होती रहेगी रोग और तनाव की स्थिति रहेगी। ऐसे में भूमि में किस तरीके से दोष को दूर करें ये मैं आपको बताता हूं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय लगातार हम लोग चर्चा करते आए हैं वास्तु से जुड़ा हुआ कूर्म की हम लोगों ने लगातार पिछले दिनों चर्चा की है यानी कछुए की चर्चा की है। कछुए का प्रयोग करके आप इस तरीके से भूमि दोष को दूर कर सकते हैं। अब उस कछुए को किस प्रकार किस विधि के अनुसार उस भूमि में स्थापित करना है कौन सा मंत्र होगा बहुत ध्यान से सुनिए मैं आपको बताता हूं। एक मिट्टी का कछुआ लेकर के शुभ तिथियों में आपको उसका पूजन कर लेना चाहिए या किसी योग्य आचार्य से वास्तु आचार्य से आप उसकी पूजा करा लें। पूजन के लिए भूमि पर लाल वस्त्र बिछा लें। यदि आप स्वयं करते हैं तो ये आपके लिए विधि है मैं बताता हूं। पूजन के लिए भूमि पर आप लाल वस्त्र बिछा लें फिर गंगा जल से स्नान करा करके कुमकुम का तिलक करना चाहिए उस कछुए को। पंचोपचार से आप उसकी पूजा करें। पंचोपचार से अर्थ है धूप दीप जल वस्त्र फल इत्यादि से आप उनका पूजन करें। चने का प्रसाद बनाएं काले चने का प्रसाद स्वयं बनाना चाहिए भोग अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भोग जो है वह वितरित कर देना चाहिए बांट देना चाहिए। और उसके बाद अब जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका मुख जो है आपका मुंह जो है वह पूर्व दिशा की ओर होगा इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह मंत्र इस प्रकार है ओम आधार पुरुषाय जाग्रय जाग्रय तर्पयामि स्वाहा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए ओम आधार पुरुषाय जाग्रय जाग्रय तर्पयामि स्वाहा।
इस मंत्र का जाप जो है किसी व्यक्ति को 108 बार वहां पर बैठ करके अवश्य करना चाहिए और जब एक माला पूरी हो जाए तो कछुए पर आप जल छिड़के। यदि संभव हो जाए, आप अगर जाप कर सकते हैं और ज्यादा, तो कम से कम 21 माला का जाप करना चाहिए, या फिर अगर आपसे संभव नहीं हो पाता तो 108 बार तो आपको अवश्य करना, यानी एक माला तो कम से कम करना ही है। सूर्यास्त अथवा संध्या से पूर्व आप ये अनुष्ठान पूरा कर लीजिए और भूमि में 3 फीट का गड्ढा खोद करके इस कछुए को, इस कूर्म को वहां पर आप स्थापित कर दें, गाड़ दें, तो इस प्रयोग को कर लेने से भूमि में जो भी दोष होगा वो दूर हो जाएगा। अक्सर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि किसी ने किसी बिल्डर से बना हुआ कोई फ्लैट ले लिया, जब वहां रहना शुरू करते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं तो पता लगता है कि इस जगह पे तो शमशान था या कोई कब्रगाह थी, अब वो परेशान होते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। अब आपके मन में भी ये बात आएगी कि अगर हम फ्लैट में रहते हैं और कुछ ऊपर की मंजिल में रहते हैं तो फिर हम इस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं। आपको ये सारी प्रक्रिया इसी प्रकार से करनी है, बस आपको करना यह है कि आप इस कूर्म को गड्ढे में यानी जमीन में गाड़ने की जगह पर अपने घर के पूजा स्थान में या साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, वहां लाल कपड़ा बिछा करके इस कछुए को रखें। आप जब अपने घर में पूजा स्थान में रोज पूजा करते हो, एक बार धुबत्ती इनको भी दिखा देना है। बस इतना सा प्रयोग करना है, जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जो जमीन में इस कछुए को स्थापित नहीं कर सकते, इस तरीके से कर लें। भूमि में किसी भी प्रकार का दोष होगा, हर प्रकार का दोष दूर हो जाता है। शल्य दोष को बहुत बुरा मानते हैं, जो जमीनों में चीजें अलग अलग होती हैं, कहीं हड्डियां होती हैं, कहीं जमीनों में खोदने पर पत्थर निकलते हैं, इसको बहुत बड़ा दोष माना गया है। वास्तु में हर प्रकार के दोष को दूर करने वाला ये बहुत उत्तम, बहुत सरल प्रयोग है। दर्शकों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जय वास्तुदेव। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।